पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश लेजेंडरी बर्ड ट्रियो के दो मेंबर्स यानी कि ज़ैपडोस और मॉल्ट्रेस को कैच कर लेता है। अब उसको आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन आर्टिकुनो को कैच करना था, जिसके लिए मैप के अकॉर्डिंग उनको बर्ग माउंटेन पे जाना पड़ेगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स बर्ग माउंटेन पे पहुंचते हैं, जहां पर उनको एक केव दिखती है। वो केव एक समुंदर की तरफ जा रही थी। उस समुंदर में उनको एक बर्फीला आइलैंड यानी कि सी फॉर्म आइलैंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं। वहां पर चार ओपनिंग्स होती हैं। अब आगे टोबियास बोलता है कि इनमें से कोई एक ओपनिंग ही सही है और बाकी सारी ओपनिंग गलत है, जिसमें जाने के बाद हमें वापस आना पड़ेगा। बट ऐसे कंडीशन के लिए मेरे पास एस्केप रोप है, इसीलिए हमको चेक करना चाहिए कि कौन सी ओपनिंग सही है। सब लोग एक ही ओपनिंग में जाने वाले होते हैं, पर तभी टोबियास सबको रोक लेता है और सबको एक एक एस्केप रोप देता है। वो बोलता है कि यहाँ पर चार ओपनिंग है और हम सब चार लोग हैं, हमें एक एक ओपनिंग में जाना चाहिए। जो गलत ओपनिंग में जाता है वो एस्केप रोप यूज करके बाहर आ जाएगा, और जो बाहर नहीं आएगा हमको पता चल जाएगा कि उसकी ओपनिंग ही सही थी और हम सब दोबारा केव में आके उसी ओपनिंग में चले जाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है। सब लोग वैसा ही करते हैं। ऐश जैसे ही ओपनिंग के अंदर जाता है, उसके ऊपर कोई पोकेमोन अटैक कर देता है और उसका पैर इंजर्ड हो जाता है। पिकाचू उस पोकेमोन के ऊपर थंडर बोल्ट यूज करता है और वो पोकेमोन वहाँ से भाग जाता है। वो एक वी वाइल था। ऐश देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी जगह है और ऐश सही ओपनिंग में आया है। बाकी सब लोग गलत ओपनिंग में गए थे, तो सब लोग एस्केप रोप का यूज करके केव से बाहर आ जाते हैं। और फिर वो लोग उस ओपनिंग में जाते हैं जहाँ पर ऐश गया था। वो लोग देखते हैं कि ऐश काफी इंजर्ड हो चुका है, बट फिर भी ऐश चल सकता था। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहते हैं, जहाँ पर उनको काफी सारे पजल मिलते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए वो अपनी स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। सब लोग अलग अलग ओपनिंग में जाते हैं और जिसकी ओपनिंग गलत थी वो एस्केप रोप यूज करके बाहर आ जाता था, और फिर वो उस ओपनिंग में जाता था जो कि सही थी। ऐसे ही करते करते वो लोग आर्टिकुनो के पास पहुंच जाते हैं, जो कि देखने में काफी स्ट्रांग लग रहा था। ये केव के काफी ज्यादा अंदर था। टोबियास बोलता है, तुम्हें रूल्स याद है ना? यहाँ पर भी वही सेम रूल्स अप्लाई होंगे। ऐश बोलता है कि मुझे वो रूल्स याद हैं। ऐश को पता था कि उसको क्या करना है। वो अपने सबसे पहले पोकेमोन की तरह चार्जार्ड को भेज देता है। ब्रॉक बोलता है कि चार्जार्ड एक फायर टाइप पोकेमोन है, जिसके अटैक सुपर इफेक्टिव होंगे आर्टिकुनो पर। ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है ऐश के तरफ से। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश का चार्जार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर का, वहीं पर आर्टिकुनो यूज करती है शियर कोल्ड का। दोनों ही पोकेमोन्स के अटैक एक दूसरे पर लग जाते हैं। आर्टिकुनो को थोड़ा डैमेज पड़ता है, बट ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका चार्जार्ड एक ही अटैक में हार चुका है। टोबियास बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये आर्टिकुनो तुम्हारे लिए काफी बड़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इसके पास शियर कोल्ड अटैक है, जो कि एक वन हिट नॉकआउट मूव है। अगर ये मूव तुम्हारे पोकेमोन्स को लग जाता है तो उसके बचने की कोई भी चांस नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि वो पोकेमोन कितना स्ट्रांग हो। ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुलाता है और भेजता है अपने पिकाचू को। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जो कि सुपर इफेक्टिव अटैक था आर्टिकुनो पर। पर जैसे ही पिकाचू आर्टिकुनो के पास पहुंचता है, पिकाचू वापस से शियर कोल्ड अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू भी हार जाता है। मिस्टी बोलती है कि अभी तो बैटल स्टार्ट हुई थी, ऐश इतना ज्यादा पीछे हो चुका है, अब वो कैसे रिकवर करेगा। टोबियास बोलता है कि एक फिजिकल अटैक करना काफी बेकार मूव था, ऐश को स्पेशल अटैक करने चाहिए थे, ताकि पिकाचू आर्टिकुनो के शियर कोल्ड को डॉज भी कर पाता। फिजिकल अटैक में वो आर्टिकुनो के काफी पास चला गया था, जिसके चलते वो आर्टिकुनो के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और अपने थर्ड पोकेमोन की तरह भेजता है अम्ब्रियन को। इवॉल्व होने के बाद ये अम्ब्रियन की सबसे पहली बैटल थी। ऐश अपने अम्ब्रियन को स्टार्ट करने बोलता है डार्क पल्स अटैक से। आर्टिकुनो आइस बीम अटैक का यूज करके डार्क पल्स को जमा देती है, जिससे यह अटैक आर्टिकुनो पर नहीं लगता है, और यूज करती है हरिकेन अटैक का। इस अटैक को अम्ब्रियन डॉज कर लेता है और यूज करता है साइकिक अटैक का, जो की फाइनली आर्टिकुनो पर लगता है। बट आर्टिकुनो पर इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता है। टोबियास बोलता है कि तुम्हारे अम्ब्रियन का अभी ज्यादा लेवल अप नहीं हुआ है और उसको उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसके चलते उसके अटैक उस लेवल के नहीं है कि वो आर्टिकुनो को डैमेज दे पाए। तभी आर्टिकुनो यूज करता है आई शैड अटैक का, जो कि अम्ब्रियन पर लग जाता है। ये एक वन हिट नॉकआउट मूव भी नहीं था, बट फिर भी अम्ब्रियन फेंट हो जाता है। टोबियास बोलता है कि तुम्हें इसके जगह पर कुछ स्ट्रांग पोकेमोन्स रख लेने चाहिए थे। अब ऐश के पास तीन पोकेमोन्स बचे हुए थे। वो अपने फोर्थ पोकेमोन की तरह फाइनली भेजता है गुनिंजा को, जो कि ऐश के साथ मर्ज हो जाता है और बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश गुनिंजा में। ऐश बोलता है कि गुनिंजा मैं पहले ही तीन पोकेमोन हार चुका हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आर्टिकुनो इस बार दोबारा से स्टार्ट करता है शियर कोल्ड अटैक के साथ। ऐश अपने गुनिंजा को उसका न्यू अटैक यानी कि सर्फ अटैक यूज करने बोलता है, जिससे एक काफी बड़ी वेव बन जाती है, जो कि शियर कोल्ड अटैक को पूरी तरह से रोक लेती है। इसके बाद ऐश का गुनिंजा यूज करता है जायंट वाटर शुरिकेन का, जो कि आर्टिकुनो पर लग जाता है, और फाइनली तीन पोकेमोन यूज करने के बाद आर्टिकुनो को कोई डैमेज पड़ता है। ऐश अपने ग्रेंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। टोबियास बोलता है कि ऐश तुमने दोबारा से एक गलती कर दी है, ये एक फिजिकल अटैक है। ऐश अपने ग्रेंजा को रुकने बोलता है, पर तब तक काफी लेट हो चुका था।
आर्टिकुनो शियर कोल्ड अटैक का यूज कर देता है जो कि ग्रेंजा पर लग जाता है और इससे ग्रेंजा फेंट हो जाता है। ऐश के अब चार पोकेमॉन्स हार चुके थे। आर्टिकुनो सिंगल हैंडेडली ऐश के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करते जा रहा था। एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ऐश ने सोचा नहीं था। उसको इतनी दिक्कत किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करते हुए नहीं आई थी। अब ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसके टीम में न्यू पोकेमॉन्स ही थे, जिसके चलते वो अपने पांचवें पोकेमॉन की तरह भेजता है नॉर्डियन गैराडोस को। ब्रॉक बोलता है, ऐश तुमने अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं लाए हैं क्या? ऐश बोलता है कि मैंने जब नए पोकेमॉन्स पकड़े थे तब वो मेरे स्लॉट के फर्स्ट कुछ पोकेमॉन से रिप्लेस हो गए थे जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन्स ही थे, जिसके चलते अब मुझे न्यू पोकेमॉन्स का यूज करना पड़ रहा है। बैटल में आते ही आर्टिकुनो यूज करता है आइस बीम अटैक का जो कि नॉर्डियन गैराडोस पर लग जाता है और वन हिट नॉकआउट मूव ना होने के बाद भी गैराडोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। टोबियास बोलता है ये तो होना ही था, नॉर्डियन गैराडोस एक ड्रैगन और साइकिक टाइप पोकेमॉन है जो कि आइस टाइप अटैक से वीक है। तुम डेफिनेटली हार चुके हो, अब तुम्हें नेक्स्ट ईयर पकड़ने की तैयारी करनी होगी, आर्टिकुनो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ऐश अपने गैराडोस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, पर तभी आर्टिकुनो यूज करती है ब्लिजार्ड अटैक का जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। यह नॉर्डियन गैराडोस पर लग जाता है और नॉर्डियन गैराडोस हार जाता है। अब ऐश के पास एक लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था, वो अपने लास्ट पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है अपने हुपा को। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के पास मिथिकल पोकेमॉन हुपा अभी भी बचा हुआ था, तुम्हारी होप्स अभी भी बाकी है, हुपा तुम्हें जिता सकता है। ऐश अपने प्रेजेंट बॉर्डर को निकालता है, उतने में ही आर्टिकुनो यूज कर देता है ब्लिजार्ड अटैक का जो कि हुपा पर लग जाता है। ऐश जल्दी से अपने प्रेजेंट बॉर्डर का यूज करके हुपा को हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ऐश बोलता है कि आर्टिकुनो के पास ये मैच जीतने का काफी अच्छा चांस था, उसने शियर कोल्ड अटैक यूज क्यों नहीं किया। ब्रॉक बोलता है कि एक अटैक को यूज करने की एक लिमिट होती है, शायद से आर्टिकुनो ने 5 बार इस बैटल में शियर कोल्ड का यूज कर लिया होगा, जिसके चलते आर्टिकुनो अब उस अटैक को दोबारा यूज नहीं कर सकता। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए काफी अच्छी न्यूज है, बट अगर अब आर्टिकुनो के पास वो अटैक होता भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। ऐश अपने हुपा को 2 लेजेंडरी पोकेमॉन समन करने बोल देता है जो कि आर्टिकुनो के ही पार्टनर से यानी कि मोल्ट्रेस और ज़ैपडोस दोनों ही आर्टिकुनो से बैटल करते हैं और दोनों के पास ही आर्टिकुनो के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव अटैक थे, जिसके चलते आर्टिकुनो काफी ज्यादा वीक हो जाता है, वो उनसे बैटल नहीं कर पा रहा था। लास्ट में ज़ैपडोस एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट अटैक का यूज करती है जिससे आर्टिकुनो हार जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए ऐश अपने नॉर्डियन पोकेबॉल को फेंकता है जिससे आर्टिकुनो कैच हो जाता है। ऐश आर्टिकुनो के पोकेबॉल को उठाता है और वो अपने आप पोकेमॉन सेंटर में चले जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली लास्ट टास्क और लास्ट कैटेगरी पूरी कर ली थी। टोबियास ऐश को कांग्रेट्स बोलता है और बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए। ऐश भी टोबियास को थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए, बट उससे पहले ऐश को पास के पोकेमॉन सेंटर में जाना था क्योंकि उसके पांचवे पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। टोबियास अपने जिम में चले जाता है, वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स बर्क टाउन में जाते हैं जहां पर वो अपने सारे पोकेमॉन को हील कराता है और अम्ब्रियन हुपा और नॉर्डियन गैराडोस के बदले वो आर्टिकुनो मोल्ट्रेस और ज़ैपडोस को अपने टीम में ले लेता है। अब ऐश को बस अपने सारे पोकेमॉन जाकर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क सेंटर में दिखाने होंगे। ऐश अपने आर्टिकुनो मोल्ट्रेस और ज़ैपडोस को बाहर निकालता है, सब उन पोकेमॉन पर बैठकर टास्क सेंटर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब वो फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब देखना यह था कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप कैसे होने वाली हो और उसमें कौन से ट्रेनर्स आएंगे।